नमस्कार, मैं हूं मनोज जयजान और आप देख रहे हैं जयजान टीवी। आज हम पहुंचे हैं बागपत में, जहां पर कृषि मेला लगा हुआ है और सभी प्रकार की कृषि से जुड़ी संबंधित जो भी कंपनियां हैं वो अपने प्रोडक्ट यहां पर लेकर आई है। जो हर तरीके की, हर प्रकार की मशीनें यहां पर, आधुनिक मशीनें यहां पर दिखाई गई है। जैसे आप देख रहे हैं ब्रश कटर है ये, जो पार्क में घास चारा काटने काम आती है, और ये नए मॉडल ट्रैक्टर का आया है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, और ये देखिए यहाँ पर रोटावेटर, बहुत सारी ऐसी कितने बहुत ही ज़्यादा विस्तृत श्रृंखला यहाँ पर कृषि यंत्रों की आप देख सकते हैं। रोटरी भी आप देख सकते हैं, काफ़ी नई नई तकनीक के उपकरण यहाँ पर कृषि मेले में देखने को मिल रहे हैं। आप ये देख सकते हैं गाड़ी में लदे हुए कितने प्रकार के आपको देख सकते हैं यहाँ पर, हर प्रकार का यहाँ पर। ये गेहूँ काटने की मशीन आप देख रहे हैं, जो गेहूँ काटने की, गेहूँ धान जौ आदि की फसलें काट सकती है। ये देखिए इसकी कीमत है 1,25,000। रीपर जो गेहूं और धान इससे काटा जा सकता है, जौ की फसल इससे काटी जा सकती है। इसी प्रकार के, और देखिए यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ भी है और भजनों के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और इधर ये LCD भी लगाई गई है जिसमें मेले का दृश्य दिखाए जा रहे हैं, बार बार लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप कृषि यंत्रों के माध्यम से किस प्रकार से अपनी फसलों को उपजाऊ बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर महिंद्रा ट्रैक्टर भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये महिंद्रा ट्रैक्टर है और ये बड़ोली से हमारे साथी हैं जो इस एजेंसी में कार्य करते हैं, तो आप इनको भी देख सकते हैं। और ये देखिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो गृहिणी है उनको रोजगार के अवसर प्राप्त कराए जा रहे हैं। ये स्वयं सहायता समूह मदीना, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से स्वयं के रोजगार के लिए करते हुए हैं, और इसमें भी ये महिलाएं हैं जो स्वयं सहायता समूह बनाकर खुद को आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में अपने लगे हुए हैं, जो स्वयं रोजगार कर रहे हैं। और जगह जगह हर प्रकार की किसानों की भीड़ लगी हुई है स्टालों पर, जो कि दवाइयों के विषय में, हर प्रकार की मशीनों के विषय में जानकारी ले रहे हैं। सिंडिकेट बैंक यहां पर जो लोन मुहैया कराते हैं, फसली लोन, और ये सिंडिकेट बैंक के ही जो RCT, जो ग्राम, तरह तरह के प्रकार के इस कोर्स करा करके युवाओं को देते हैं। और ये आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर डॉक्टरी उपचार, जो एक हर प्रकार की सहायता यहाँ पर दी जाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है। और समाज कल्याण विभाग के द्वारा भी यहाँ पर एक स्टॉल लगाया गया है, जिसमें समाज के किस प्रकार की क्या क्या योजनाएं हैं समाज के लिए, सामूहिक विवाह योजना, उसके विषय में जानकारी देते हुए इस प्रकार के कई स्टॉल इस मेले में देखने को मिले हैं। और ये देखिए यहाँ पर नई नई मशीनें इस मेले में देखने को मिली, काफ़ी अच्छी अच्छी मशीनें यहाँ पर इस मेले में देखने को मिली, जिससे किसान उसका प्रयोग करके अपनी फसल अच्छी ले सकते हैं और कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मछली पालन का भी दिखाया गया है कि इस प्रकार से मछली पालन करके अपनी आय को बढ़ाया जा सकता है, आप देख रहे हैं।
तो मेले में बहुत ही कुछ जानकारी मिली यहाँ पर, देखने के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। ये बागपत में मेला चल रहा है, कृषि मेला, जो 31 दिसंबर तक चलेगा। ये यहाँ पर बागवानी के माध्यम से अच्छी तरीके से दिखा सकते हैं कि कैसे आप अपनी, और ये देखें मधुमक्खी पालन के शहद का भी निर्माण यहाँ पर कर सकते हैं, शहद का उत्पादन कर सकते हैं और अच्छी अच्छी फसल ले सकते हैं। दवाई और बीज का यहाँ पर जानकारी देते हुए, और ये पशुपालन विभाग की ओर से भी स्टॉल लगाया गया है। यहाँ पर अच्छी नस्ल का जो कृत्रिम गर्भाधान और कुटकुट विकास नीति के माध्यम से ये मुर्गा पालन, इस प्रकार के कई जो उद्योग हैं, व्यवसाय हैं, जो छोटे लेवल पर और बड़े लेवल पर किए जा सकते हैं, इस प्रकार की कई योजनाएं हैं। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से पशुओं के लिए अच्छे से अच्छा, यहाँ पर दवाइयों का भी स्टॉल दिखाया गया है, किस प्रकार से आप कृषि में दवाइयों का इस्तेमाल करके कीटनाशक से बचा सकते हैं अपनी फसलों को। हर प्रकार का देख लिए, ये पंप सेट है जो पानी के लिए कहीं भी ऊंचाई पर है, पंप सेट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी मशीनें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये मेला एक पूरी जानकारी इस में दिखाया गया है। और ये देखिए यहाँ पर एक ड्रिप एप स्क्रीन प्लस सिंचाई पद्धति के माध्यम से दिखाया गया है कि जिससे कि जमीन के अंदर बोरिंग करके और पाइप के माध्यम से पानी फसलों की जड़ों तक पहुँचाया जाए, ये वो पद्धति आप लोगों को दिखाई गई है यहाँ पर। और भी अन्य बहुत से यहाँ पर हर प्रकार के लगाए गए हैं, और ये आप देख सकते हैं कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किस प्रकार से अपनी आजीविका को जुड़े है। ये नया सवेरा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ती होती हैं, जो देखिए इन्होंने मोमबत्ती, कितने प्रकार के प्रोडक्ट यहाँ पर बनाए हैं, अगरबत्ती, धूपबत्ती, इस प्रकार की बहुत सारी ये प्रोडक्ट इन्होंने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से खुद ही निर्माण करके और उसको अपनी आय को बढ़ाया। बहुत से बुक स्टॉल भी मिले यहाँ पर, जिसमें हर प्रकार की जानकारी यहाँ पर दी गई है किसानों के लिए, और अच्छी प्रकार के सभी सामान यहाँ पर दिखाए गए हैं। फिर रोटरी देखिए, कितने अच्छे अच्छे कृषि के लिए यंत्र यहाँ पर आ गए हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि कृषि से जुड़े हुए काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पर सामान दिखाए गए हैं। ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये दिखाया गया है कि शौचालय का, और ये देखिए बागवानी कितना अच्छा, जो जल संरक्षण का कितना अच्छा नमूना यहाँ पर इस दृश्य के द्वारा दिखाया गया है, जिसमें नदियों का जल किस प्रकार संचय करे और बरसात के पानी को किस प्रकार इकट्ठा करके उसे सिंचाई के रूप में इस्तेमाल करें, किस प्रकार से हम बांध बनाकर और अपन जो वर्षा का पानी होता है उसको हम इकट्ठा करके अपनी कृषि के लिए उपयोग में लाएं, और किस प्रकार से अपने इस पृथ्वी, इस धरा को हरा भरा करें। बहुत ही अच्छा दृश्य यहाँ पर इस के माध्यम से दिखाया गया है, और यहाँ पर दवाइयों का जानकारी दी गई, और ये ट्रैक्टर आप देख सकते हैं स्वराज कंपनी का है, और ये यहाँ पर गेहूं बोने की मशीन आपको दिखाई गई है। हर प्रकार की आधुनिक मशीनें आज कृषि के लिए उपयोग होने के लिए आ गई है, हर तरीके का एक से एक साधन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आजकल इतनी दवाइयाँ भी हैं जो फसलों में कीटनाशक
नाश करने के लिए होती है। कीटनाशक को खत्म कर कर अच्छी फसलें ले सकते हैं। ये हरी मिर्ची आप देख सकते हैं, हरी सब्जियां, हर प्रकार की सब्जियां यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। और ये सौर ऊर्जा का जो आज सूर्य की जो रोशनी है और उसकी ऊर्जा को करने के लिए, और ये यहाँ पर देखिए वैज्ञानिक पद्धति से पर किस प्रकार से कृषि को उपजाऊ करें और अपनी खेती में उन्नत फसलें उगाएं हर प्रकार।